हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था मल्टी डायमेंशनल एरे, तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, उनकी कैटेगरीज क्या होती हैं, उनको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो आज हम इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट कोड आर यूज्ड अगेन एंड अगेन। फंक्शन क्या होता है? बहुत सारे कोड का एक ब्लॉक होता है जिसे हम बार बार अपने फंक्शन में यूज़ अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ठीक है, सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंक्शन। सी प्रोग्राम जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा फंक्शन को सपोर्ट करता है, कंसिस्ट करता है, जिनमें से एक हमारा कंपलसरी फंक्शन होता है जिसका नाम क्या है, मेन फंक्शन। सी फंक्शन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। जो सी का फंक्शन होता है वो बहुत सारी डिफरेंट एंटिटीज से मिलकर बना हुआ होता है, और वो एंटिटीज कौन कौन सी होती हैं, सच एज फंक्शन नेम, नंबर ऑफ पैरामीटर इट एक्सेप्ट्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इट रिटर्न्स, डाटा टाइप ऑफ द पैरामीटर्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन सारी एंटिटी से मिलकर हमारा फंक्शन बिल्डअप हुआ हुआ आता है। अब आता है कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। अब सी लैंग्वेज जो है वो बहुत सारे फंक्शंस को सपोर्ट करती है। सी लैंग्वेज सपोर्ट ह्यूज कलेक्शन ऑफ फंक्शन टू इम्प्लीमेंट मैनी फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज। अब देखो, एक एग्जांपल देखते हैं हम। ऑल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो होते हैं वो किससे हैंडल होते हैं, स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन से। स्कैनएफ किस लिए होता है, वैल्यू को रीड कराने के लिए, और प्रिंटएफ वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो ये भी तो फंक्शंस ही हैं ना। अब आती है कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। सी की फंक्शन की दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है इनबिल्ड और एक होती है यूज़र डिफाइंड। इनबिल्ड क्या होती है, प्री डिफाइंड, मीन्स जो पहले से ही डिफाइंड है, पहले से ही जो फंक्शन बिल्डअप हुए हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई हम नया एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो उसके अंदर कुछ एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल होती है और उन्हें हम डिलीट भी नहीं कर सकते, अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते उन्हें हम। ठीक है, तो वो एप्लीकेशंस जो होती है वो क्या होती है, इनबिल्ड एप्लीकेशंस। और जो हम खुद अपनी नीड के लिए इंस्टॉल करते हैं और वो कौन सी होती है, यूज़र डिफाइंड होती है। तो ऐसे ही सी के अंदर जो जो फंक्शन पहले से ही डिफाइन हो रखे होते हैं सी लाइब्रेरी के अंदर, वो होते हैं इनबिल्ट सी फंक्शन, और जो यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है वो होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सबसे पहले इनबिल्ट फंक्शन। देखो फ्रेंड्स, इनबिल्ट सी फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन दैट आर प्री डिफाइंड, जो पहले से ही डिफाइंड है एंड ऑलरेडी अवेलेबल इन कंपाइल्ड फॉर्म इन ए सी लाइब्रेरी, और सी लाइब्रेरी के अंदर कंपाइल्ड फॉर्म में पहले से ही अवेलेबल है। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, स्कैनएफ, प्रिंटएफ, स्क्वेयर, तो ये सारे फंक्शन कौन से होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन, जो पहले से ही बिल्ट हो रखे होते हैं। To use the inbuilt C function, we have to include the header file that contains the prototype of the function. तो हम उन function को use करने, जो function पहले से ही define होते हैं, ठीक है, उन function को use करने के लिए हम क्या use करते हैं, we have to include the header file, इसलिए तो हम use करते हैं hash include stdio.h। ठीक है फ्रेंड्स, और जो क्या कंटेन करती है, उस फंक्शन के प्रोटोटाइप को कंटेन करती है। अब फ्रेंड्स, प्रोटोटाइप क्या होता है, ए फंक्शन प्रोटोटाइप इज़ ए डिक्लेरेशन ऑफ ए फंक्शन दैट स्पेसिफाई, मीन्स प्रोटोटाइप क्या स्पेसिफाई करता है, फंक्शन का नेम क्या है, डाटा टाइप क्या है पैरामीटर्स का, रिटर्न टाइप क्या है उन पैरामीटर्स का, बट वो फंक्शन की बॉडी को एमिट, मीन्स पब्लिक नहीं रखता, उस बॉडी को छिपा के हाइड करके रखता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोटोटाइप का काम। अब देखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, द फंक्शन क्रिएटेड बाय यूज़र, जो फंक्शन यूज़र खुद अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेवलप करता है, बिल्ड करता है, उसे यूज़ करता है, वो होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। द फंक्शन मेन इज़ द कंपल्सरी यूज़र डिफाइंड फंक्शन रिक्वायर्ड इन ऑल एग्जीक्यूटेबल सी प्रोग्राम। जो मेन फंक्शन होता है, याद रहे ये इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, बेशक से हम इसे, ये एक कंपल्सरी फंक्शन है और हम इसे इसके बिना प्रोग्राम नहीं कर सकते, ये नेसेसरी फंक्शन है, कंपल्सरी फंक्शन है, बट ये कौन सा फंक्शन होता है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो
हाउ टू यूज़ फंक्शन, हम फंक्शन को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक फंक्शन जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है फंक्शन की डिक्लेरेशन, उसको डिक्लेयर करते हैं। फिर सेकेंड होता है फंक्शन को डिफाइन, हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि इस फंक्शन के अंदर क्या क्या है। और फिर होता है फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम कहीं भी उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या होता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स। एग्जांपल देखो फ्रेंड्स, ध्यान रहे फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है, लास्ट में हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका एग्जांपल है इंट। इंट क्या है, रिटर्न टाइप है। ऐड, ऐड क्या है, फंक्शन का नेम हो गया। और इंट ए और इंट बी क्या है, पैरामीटर्स है। सेकंड होता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या है, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि इस फंक्शन के अंदर है क्या। ठीक है, कोड कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, इसका सिंटेक्स भी सेम होता है। बट डिफरेंस क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर लास्ट में सेमी कॉलन का यूज़ होता है, यहाँ सेमी कॉलन यूज़ नहीं होते, यहाँ यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ होता है जिसके अंदर हम ब्लॉक ऑफ कोड राइट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है फंक्शन कॉल, जिसमें हम फंक्शन को कॉल करते हैं जब हमें नीड होती है। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, फंक्शन का नेम सिर्फ और उसके पैरामीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीन पार्ट्स होते हैं एक फंक्शन के। तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल क्लियर करने के लिए कि फंक्शन एग्जैक्टली में यूज़ कैसे होते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल है, void hello। void hello नाम का एक फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इसके पीछे सेमी कॉलन है ना, तो ये क्या है, डिक्लेरेशन है। ठीक है, void hello नाम का एक फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद यहाँ ब्लॉक ऑफ क्या आएगा, मेन फंक्शन के बाद हमने यहाँ पे इसको ऐसे एक बड़ी एम्प्टी छोड़ दिया। ठीक है, और फिर हम आएंगे यहाँ। ठीक है, void hello, यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि फंक्शन के अंदर है क्या। ठीक है, फंक्शन के अंदर हम देखो यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं है, तो मीन्स ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन के सिंटेक्स के अंदर लास्ट में सेमी कॉलन नहीं थे। तो इसमें हम क्या ने क्या डिफाइन करा कि इसके अंदर हमने ये डिफाइन करा कि प्रिंट करवा दे है। ठीक है, अब हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया था, ऊपर फंक्शन को यहाँ डिफाइन कर दिया। अब हम इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, हमने इस फंक्शन को, फंक्शन का नाम क्या था, हेलो, तो इस फंक्शन को कहाँ कॉल कर लिया, मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लिया। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवाया था है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, है। ठीक है, तो इसमें हमने तीनों चीज़ें यूज़ कर ली, डिक्लेरेशन भी, डेफिनेशन भी और कॉलिंग भी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स।